देश की स्वतंत्रता के लिए अलग जगाने वाला परिवार आज सरकार से खुद इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जी हां, सहारनपुर के प्रसिद्ध उद्यमी सेठ कुलदीप ने जिला प्रशासन पर भूमि आवंटन के आरोप लगाए हैं। वहीं सहारनपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की जमीन आवंटन का मामला सामने आया है। सेठ कुलदीप के मुताबिक आवंटन की गई भूमि उनकी पैतृक संपत्ति थी। खास बात, सेठ कुलदीप के पिता 1942 में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। मामले में सीएम योगी से जांच की मांग की गई है। ये यहाँ 17 मई को प्रेस वार्ता में मैंने बताया भी था कि औद्योगिक स्थान में जो आवंटन किया गया वो बिल्कुल वैधानिक रूप से किया गया और उसकी ना किसी खबर दी इन्होंने और चुपचाप वो वहीं उद्योग बंधु की मीटिंग में कर दिए गए आवंटित। लेकिन बाद में मैंने 17 में सब बात रखी प्रेस वार्ता में, वो सब गई भी, सब जगह प्रसारण भी हुआ, कॉपियाँ भी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, मैं कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, यहाँ सबसे मिला, ये जिला उद्योग के अधिकारियों से भी, कोई कार्रवाई ना होने के बाद फिर मुझे इन्होंने उसका प्रयास शुरू कर दिया। वहाँ पर बुलडोज़र लेके जो पुरानी बिल्डिंग थी वो तोड़ना फोड़ना ये वो, मैंने तब भी हमने कोई ऐतराज़ नहीं किया क्योंकि हमारा कोई हक नहीं था, क्योंकि अधिकारियों की इनको वो सपोर्ट थी पूरी। तो फिर मैंने अब उसके बाद में कुछ धमकियाँ भी आई कि जेल भिजवा देंगे, ये करेंगे, तो फिर मुझे आज फिर मजबूरन ये प्रेस वार्ता। देखिए, इस संबंध में पूर्व में भी एक खबर चली थी सोशल मीडिया पर कि साहब इसमें जो है GMDIC के यहाँ से कुछ गलत आवंटन हो गया है, तो इसमें मेरे द्वारा बुला करके DM साहब के आदेश आए थे इसमें कि भाई इसको निर्माण रुकवा दिया जाए इसमें जो है, और उसकी जांच कराने की बात हुई थी। तो उसमें तो अब तो कोई निर्माण हो नहीं रहा मौके पर, उसे रुकवा दिया गया था। पूर्व में जितना है उतना हुआ है, उनके द्वारा आवंटन लिया गया है, GMDIC ने बताया था आवंटन लिया, आवंटन में कोई यदि कोई अनियमितता होगी तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, उसकी जाँच चल रही है।